ठीक है, दो लोग दिख रहे हैं मुझे रात को 3:30 बजे। ये 8 लाख रुपए की चीज है। दिन की शुरुआत ना कुछ ऐसे हुई, पापा ने कॉल लगाया, बताया कि भाई तेरी गाड़ी में नुकसान हो गया। मैं घबरा गया, मैंने कहा कौन सी गाड़ी, वो संभाला तो रिलाइज हुआ घर के पीछे तो क्रेटा ही खड़ी है, इसुजू भी नहीं खड़ी है, तो भाई क्रेटा का ही शीशा टूटा होगा। फिर मैं नीचे गया, मैंने देखा यार शीशा टूटा हुआ, इधर उधर देखा, ना कोई पत्थर मिला, ना कोई फ्रूट मिला जो पेड़ पे लगते ना कई बार, कुछ भी नहीं मिला कि मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे टूटा होगा। फिर दिमाग लगाया कि यार सीसीटीवी की रेंज में तो गाड़ी आ रही होगी, सीसीटीवी चेक किया, उसमें मुझे एविडेंस मिले हैं, क्लियर पिक्चर नहीं मिली, क्योंकि ना जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी थोड़ी सी ना पेड़ों के लीव्स से, मतलब कि थोड़ा कवर्ड है बट थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, दो लोग दिख रहे हैं मुझे रात को 3:30 बजे, और वो आज रात तक ना मैं मतलब एक सीसीटीवी और है उसकी फुटेज निकाल के कन्फर्म कर दूंगा कि गलती से टूटा है, नेचुरली टूटा है, इनसे टूटा है, किससे टूटा है। बट भाई बुरा बहुत लगा, बट जल्दी से मैंने क्या किया ना, जो बचा कुचा शीशा था उसको ऐसे झड़वाया और गाड़ी लेके मैं निकल गया, जहाँ पे ना क्लेम लिया जाता है मतलब विंडस्क्रीन का या ऐसे मिरर्स का, तो वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी का सर्वे करवाया। अभी थोड़ी देर में वो लोग बता देंगे, अगर क्लेम पास हो जाता है तो मैं आज ही पीछे का स्क्रीन लगवा दूंगा, शीशा लगवा दूंगा, बैक मिरर। रीजन बीइंग क्या सीन है ना कि भाई ये टूट गया तो प्रॉब्लम है, अब अंदर में आके कोई चोरी कर सकता है, कुत्ता घुस सकता है अंदर में, ऊपर से क्या है बारिशों का सीजन है, फिर से बारिश होने वाली है थोड़ी देर में, सो आई विल बी इन ट्रबल। बट फिलहाल अभी मैं अपनी यही वाली गाड़ी टूटी शीशे के साथ में लेके आ चुका हूँ जेएस रैप पे, क्योंकि यहाँ पे ना मेरा जो इसुजू है उसका रैप हटाया जा रहा है, क्या पता मैं इसको रीरैप करवा लूँ, क्या पता इसको मैं बेच दूँ। मैंने ऑलरेडी हाइलेक्स के अच्छे कोट के लिए मतलब 2-3 जगह पे बात कर रखी है, जहाँ से भी बेस्ट रेट आएगा फिर मैं इसकी वैल्यू लगवाऊंगा, ये कितने का जाएगा, अगर बीच का डिफरेंस हुआ लॉजिकल तो डेफिनेटली अपग्रेड होगा बॉस, अपग्रेड होगा। और यार गोगो भाई हमारे पहले ही पहुंचे हुए हैं, डॉन, वाराणसी के डॉन, फुल प्रूफ है हमारे पास, फुल प्रूफ, दो बंदों ने तोड़ा है, ठीक है, अभी सिर्फ वेट हो रहा है, एक पड़ोसी का सीसीटीवी और लगा हुआ है, उससे क्रॉस चेक करना है क्योंकि ना शक्ल नहीं आ रही, वो लगे हुए हैं पेड़, बट हाथ में डंडा है, कुछ ऐसा सीन है। बट फिलहाल ऐसा है, देखो गाड़ी हमारी वापस हो गई है बैक टू बेसिक, मतलब सिल्वर कलर के अंदर में पहले थी अभी भी वैसी हो गई है, तो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। और ये क्यों घूम रहा है भैया धीरे से, गाड़ी पहचान में नहीं आ रही हमारी यार, हैं, ये तो सिल्वर हो गई, क्योंकि सिल्वर थी कितने टाइम से ब्लैक थी, फिलहाल तो सिल्वर भी अच्छा लग रहा है मेरे को, क्योंकि बहुत दिन के बाद चेंज दिख रहे हैं ना। अभी मेन मज़ा आएगा जब ये उतरेगा, और ये ऐसे नहीं उतरेगा, ये उतरने के बाद जो मेहनत है ना 10x है भाई, मैंने पहले भी बताया था एक ब्लॉग में, अभी भी बताऊँगा, ये ना जो मटेरियल यूज़ हुआ है अच्छा नहीं है, जिन्होंने किया था मैंने उनको ये कंप्लेंट करी थी, मैंने बोला देखो यार ऐसी चीज़ मत लगाओ। बट इसके ऊपर में एक आप सबके लिए नॉलेज है, जो लोग सस्ता PPF करवाते हैं ना, ये ऐसे ही होता है तुम्हारी गाड़ियों बाइकों के साथ, इसीलिए प्रीमियम क्वालिटी का काम करवाओ भाई, 6-7 साल में भी जब हटाओगे ना, बिना ग्लू के, बिना रेसिड्यू के, बिना पीला पड़े, बिना आपके पेंट को डैमेज किए हुए ये चीज़ उतरेगी। बट अगर सस्ता मटेरियल लगाओगे तो यही होगा, ग्लू छोड़ेगा, रंग बदलेगा और अपने आप उतर रहा, पेंट भी डैमेज हो रहा है, मेहनत 10x हो गया भाई। A few moments later. ऐसे कैसे भाई साहब, हमने कर दिए सारे जुगाड़, मतलब गार्बेज बैग लगा के क्रेटा का पीछे का हमने जुगाड़ कर दिया, क्योंकि देख रहे हो आप बारिश हो गई है चालू, सही टाइम पे सही जगह हम लोग पहुंच गए, रोड पे फंस जाते ना तो पानी आज अंदर आ जाता, बट यहाँ पहुंच गए, जो भी हमें मिला जैसे ये गार्बेज बैग से इनको लगा के अभी हमने चिपका दिया, एटलीस्ट अभी पानी अंदर नहीं जाएगा। और जहाँ मैं गाड़ी लेके गया था ना वहाँ से कॉल आ गया कि भाई अभी तक अप्रूवल नहीं आया और विंडस्क्रीन नहीं आया, मतलब ये शीशा नहीं आया, कल आ जाओ आप, कल सुबह ये काम कर देते हैं, तो रात को काम चलाना पड़ेगा, बट सही टाइम पे सही जगह, अच्छा मौसम, बारिश चालू हो गई, चाय पकौड़े हमने ऑर्डर कर दिया, बैठेंगे और हिसाब किताब बैठाएंगे गोगो भाई के साथ, है ना भाई, बिल्कुल। अभी क्योंकि बहुत बड़ा कश्मकश है, इन्होंने बोल दिया इसुजू मत बेचो, डिफरेंस बहुत आ रहा है हाइलक्स के प्राइस में, है ना, फिगर आउट करते हैं, बट जो भी होगा जल्दी बताएंगे। ऑलराइट भाई लोग, तो बात ऐसी है, ये अगला दिन है और अभी थोड़ी देर पहले ना गाड़ी का शीशा लग गया मेरी, एंड मैं आया था थ्रॉटल वाली साइड को अपनी बाइकें उठाने के लिए, क्योंकि आपको पता है थोड़े दिन पहले मैंने S2 यहाँ पे छोड़ दी थी और मेरी डर्ट बाइक भी बहुत टाइम से यहाँ खड़ी है, मैंने सोचा कि यार यहाँ खड़े होने से अच्छा है जब तक ये चीज़ नहीं बिकती है इस पर ग्राफिक करवा के अपने पास रख लेते हैं ऑफिस में, यूज़ कर लेंगे कभी कभी शूट में,
क्योंकि देखो मेरे लिए इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको पता, ले ली थी चीज, मेरे यूज की नहीं है ये, उन सब के लिए जो कंपटीशन वगैरह में पार्ट लेते हैं, क्योंकि रोड लीगल नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ से लेके जा रहा हूँ तो मैं ही अपने रिस्क पे लेके जा रहा हूँ, अंदर वाले रास्ते से जा रहा हूँ, मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो पुलिस पकड़ेगी। और आगे लाइट नहीं है, पीछे लाइट नहीं है, तो कोई ना कोई साथ में चाहिए। उन लोगों के लिए सही है जिनके पास में ग्राउंड है, जहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, नहीं तो मेरे लिए होता है कि एक बार मैं इसको ऑफिस से यहाँ लाता हूँ तो यहीं रह जाती है, यहाँ से ऑफिस लेके जाता हूँ तो ऑफिस रह जाती है। बट फिलहाल के लिए मूड ये है, अभी इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद देखो। ऐसा है कि कोशिश है कि ये बिक जाए, क्योंकि जितने की ली थी थोड़े कम में भी बिक जाए, बट नुकसान ना हो। अगर ये निकलती है सही प्राइस पे तो भाई इसी के पैसों को यूज करके एक सुपर बाइक और ली जाएगी, तो ये पक्की बात है। और ये आपको छोटी सी लग रही होगी, ये महंगी है, मतलब ये 8 लाख रुपए की चीज है, सेकेंड हैंड में भी इसका मार्केट वैल्यू है 4-4.5 लाख रुपए में मिलती है, और एक्चुअल में मिलती नहीं है। दिस इज अ रेयर मशीन फ्रॉम कावासाकी, इसीलिए अगर आपके सर्कल में भी किसी को लेनी है ना, उनको ये वीडियो दिखा देना या रेफर कर देना। इसके वैसे बहुत दीवाने हैं, बट अभी ये चलाने वाला है लौंडा, कड़क लौंडा, और मैं चलाने वाला ये। और इधर में एक गाड़ी है, इसका क्या राज है जल्दी बताएंगे, ये भी अपनी गाड़ी है, ऑल इलेक्ट्रिक, बट इसके ऊपर में बाद में आएंगे। बट फिलहाल अभी निकलते हैं, फ्यूलिंग करेंगे, फ्यूलिंग करने के बाद में जाएंगे घर को। चलो भाई, पेट्रोल डल चुका है उसमें, अब चल रहे हैं पेट्रोल पंप, मतलब उतना ही डाला है कि पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएंगे। इसमें भी लाइट जल रहा है दोस्तों, पेट्रोल इसमें भी कम है, बट धीरे धीरे से चलते हैं। उसमें लाइट नहीं है, मुझे साथ जाना पड़ेगा, और उसमें स्टैंड नहीं होता है, तो एडिशनल स्टैंड जो है उसको गाड़ी में रखना पड़ेगा। सो भाई ये सब जुगाड़ तो है ही है, देख रहे हो। ओए होए होए, क्या दिखा मुझे रेड लाइट पर, हाइलक्स भाई, क्या सही बनाई हुई है बंदे ने। और पता है यही कलर में ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोट तो आया, थोड़ा महंगा है, बट देखो यही कलर में ढूंढ रहा हूँ। अलॉयस भी कुछ ऐसे ही डलवा सकता हूँ, मुझे फ्यूल के लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत भाई साहब, मज़े ही मज़े। अब पता है एक रीज़न ये भी है कि कल मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया, छानबीन चल रही थी, शीशा किसने तोड़ा, ठीक है। मैंने अपना कैमरा देखा, दूसरे का कैमरा देखा, उसके बाद घर पे डिस्कस किया क्या इस चीज़ को पब्लिक करूं, तो जवाब आया नो। समझ रहे हो बात को, अब मुझे तो पता है किसने तोड़ा, और मतलब प्रॉपर एक्शन भी लिया जा रहा है। भाई मेरे को बढ़िया वाला डालना, वो वाला नहीं है। अरे यार ऐसे कैसे, फिर 500 का डाल दो नॉर्मल है। अभी दोस्तों यहाँ पे अच्छा फ्यूल नहीं है तो नॉर्मल डलेगा, बट कम ही डलवाऊंगा, क्योंकि ये ना मिसिंग मारती कई बार। तो आप एक काम करो, 500 का इसमें डाल दो, 400 का इसमें डाल दो, एक ही बारी में ले लेना। ओहो लाखों मिले कोई भी ना तुमसा, ये धीरे चलने नहीं देती भाई, मैं क्या करूं। बट भाई आई लव माई S2, आई लव ऑल ऑफ माई मशीन यार, है ना। अब हो जाती है कई बार ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, कई बार कोई चीज़ आपको सूट नहीं करती है, वो बात अलग है, बट मैक्सिमम जो भी आज तक मैंने खरीदा ना, बहुत फ्रूटफुल रहा है। जैसे मेरा इसुजू है, हाइलक्स चाहे मुझे लेना है नहीं लेना अभी क्वेश्चन मार्क है, बट इसुजू की फुल रिस्पेक्ट है भाई। अभी उसका रैपिंग हट चुका है, आपको दिखाऊंगा मैं, रैपिंग का भी काम है। सोच रहा हूँ अगर अच्छा रेट मिला और हाइलक्स का अच्छा कोट मिला तो भाई वहीं पे सौदा कर लूँगा, नहीं तो थोड़े पैसे और लगाऊंगा, इसुजू को दोबारा से बढ़िया बना दूंगा। मतलब क्वेश्चन मार्क है अभी भी बहुत बड़ा। फुल पावर। ओ भाई 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 भाई, क्या लग रही है भाई। भाई ये चीज इतनी सही है, ये मेरे से पीछे नहीं चल रहा है, मेरे को इसको पकड़ना मुश्किल हो रहा है, उड़ाता हुआ जा रहा है रास्ते में। बट वैसे ये जो टायर होता है ना दोस्तों, ये ना थोड़ा ग्रिप कम पकड़ते हैं रोड पे, मतलब ब्रेक कम एफिशिएंट लगती है, दे आर मेंट फॉर ऑफ रोड, और ज़्यादा इसको रोड पे चलाते हैं ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। और मैं तो सिर्फ ये नोटिस कर रहा हूँ, बिना ग्राफिक्स के बिना बाइक अगर इतनी अच्छी लग रही है ना रोड पे, मेरा मूड चेंज हो रहा है। ये बड़ा ट्रिकी हो गया भाई, आगे गाड़ी रोकी, उसने रोका, मैंने रोका, मैंने पीछे देखा, उसने मुझे देखा, बट समाउ सिचुएशन में से निकल गए। क्या दिखा मुझे, ब्यूटीफुल मस्टैंग मैन, रेड कलर की, उसका कुत्ता पीछा कर रहा था। ये भी सही है भाई, मुझे पीछे से मेरी डर्ट बाइक की आवाज आ रही है, बटर बटर कर रही है, पटाक पटाक पटाक। दिल से पूछो भाई, दिल से पूछो, ऑफिस में इतनी रौनक देख के ना दिल खुश हो रहा है। देखो एक बाइक वहां खड़ी है, दूसरी इधर है, इसको अभी ले आए हैं, सेट कर दिया है, चौथी इधर है, पांचवी, छठी, सातवीं, और एक वो पीछे खड़ी आठवीं, उसके पीछे भी एक बाइक है, अभी हम आपको नहीं दिखाएंगे बट थोड़े दिनों में दिखा देंगे, उसको भी रेडी कर रहे हैं।
सो आई एम हैप्पी टुडे गाइस कि चलो थोड़ा सा वियर्ड था, जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी आए, बट काम अपना हो गया, ऑफिस में रौन के वापस आ गए। अब ये जो बाइक का सीन है ना, अगर बिकी ठीक है, नहीं बिकी तो मेरा मूड चेंज हो रहा है। मतलब जब मैंने देखा ना इसको, मेरे को लग रहा है एक दिन संडे को भी चलानी चाहिए। दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रात कोई दिक्कत है, लाइट वाइट नहीं है इसके अंदर में। एंड एक चीज दिल में और है, थोड़ा वेट करो, मतलब मैं सोच रहा हूँ इसको भी तैयार तो कर देते हैं, एज अ प्रोजेक्ट बना के नए ग्राफिक डाल देते हैं, सीट डाल देते हैं, जिसको देंगे कोई लेगा तो वो भी खुश, नहीं लेगा तो हमारे पास ऑफिस में खड़ी तो भी हम खुश। बट एक चीज कन्फर्म हो रही है, देखो मैंने ना एक रील डाला था इंस्टा पे, दैट वॉज ऑल अबाउट माई 10R। ठीक है, ये प्रीवियस वाली परी है, ट्रांजिशन आपने देखा 6R से कैसे ये 10R पे हुआ। अब म्यूजिक भी इतना ना टची डाला था, लोगों को ना मतलब ये फील हो गया, और जब लोगों को फील हो गया, हमारी जनता को फील हो गया, तो मेरे को भी उन्होंने फील करा दिया अच्छे अच्छे कमेंट करके। उन्होंने बोला भाई 10R वापस ले लो, कैसे भी आपके गैरेज में एक 10R होनी चाहिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ, यूट्यूब चाहे उतना साथ नहीं दे रहा, एल्गोरिथम चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों के चैनल डाउन है, उनमें से अपना भी है, एंड फिर भी कोशिश पूरी है। बट आप 500 कमेंट कर देना। रिगार्डिंग किसने मिरर मेरा तोड़ा था क्रेटा का, मुझे पता लगा है गलती से हुआ था, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को बदनाम नहीं करूंगा। अब देखो वापस लग चुका है शीशा, साथ में ये हो गया इंश्योरेंस के अंदर में, पैसे अपने लगे नहीं, थोड़ा एफर्ट लगा था। एंड जहां पे मैं गया था ना नवेद भाई की शॉप पे, मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, अगर आपको कभी भी कोई कंप्लेंट है ना, क्लेम भी लेना हो, पैसा देके भी लेना हो, तो बेस्ट रेट यहीं पे मिलेगा, और बहुत फास्ट सर्विस है। मैंने इसुजु की विंडस्क्रीन भी यहीं कराई थी, और अभी अभी क्रेटा की भी यहीं कराई है। सो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा काम उन्होंने एकदम चकाचक कर दिया, आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड बाय द टाइम यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं ऑलरेडी एक रोड ट्रिप पे होऊंगा नई गाड़ी के साथ में, जो नई गाड़ी मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दी, इट्स ऑल ईवी, इट्स फ्रॉम टाटा। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू नो मोर और वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग। अभी इतना ही, अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन, 500 कमेंट, बाय बाय।